क्या धुआं आ गया टीवी से? तो तेरे को कहा किसने था सोलर पैनल से सीधा अपना टीवी चलाने के लिए? अरे यार। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है, और जिस वीडियो को देख के मेरे दोस्त ने अपना नया टीवी फूंक दिया। उसने क्या करा दोस्तों, उस टीवी को डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद में वो टीवी धुआं दे गया। तो ऐसी वीडियो में क्लेम हो रहा है कि आप डायरेक्टली सोलर या फिर बैटरी से अपने घर का सारा लोड चला सकते हो, चाहे तो वो टीवी, फ्रिज, एसी, किचन के इक्विपमेंट्स, कुछ भी हो, आप डायरेक्टली अपने सोलर पैनल से चला सकते हो। तो दोस्तों, हमारी कंपनी जो ल्यूमन सिटी है, वो पिछले इतने सालों से सोलर इंस्टॉलेशन कर रही है, और हमारे को तो लग रहा है कि हम लोग बेवकूफ है कि हमने इन्वर्टर लगा रहे हैं अपने सिस्टम्स में और ये सब चीजें लगा रहे हैं। हम डायरेक्टली डीसी करंट ही क्यों ना घर की वायर्स में दे दे, और उससे तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा और कस्टमर के पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है, और अगर डीसी करंट से ही सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं तो हम बेमतलब में क्यों इन्वर्टर में खर्चा कर रहे हैं, और हम क्यों इन्वर्टर लगा के बेचारे डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों टेक्निकल एस्पेक्ट्स के, ऐसा कैसे हो पा रहा है और क्या ये करना सेफ है हमारे इक्विपमेंट्स के लिए कि नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, एसी और डीसी की जो लड़ाई है वो अभी कल परसों पुरानी नहीं है, वो 1884 से चलती हुई आ रही है, और शहर था न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों दो साइंटिस्ट थे, एक थे निकोलस टेस्ला और एक थे थॉमस एडिसन, जिनको हम सब लोग जानते हैं और जिनके बारे में पढ़ते भी हैं, इवन तो निकोलस टेस्ला के बारे में हम उतनी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एडिसन ने बनाया डायरेक्ट करंट और निकोलस टेस्ला ने बनाया अल्टरनेटिंग करंट, मगर इस चीज से नाखुश होके कि अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, थॉमस एडिसन ने टेस्ला को लात मार के भगा दिया, और उसके बाद में टेस्ला ने एक और कंपनी ज्वाइन करी जहां पे उन्होंने अल्टरनेट करंट पर और काम करा, और फिर अल्टरनेट करंट को पूरी की पूरी दुनिया ने अडैप्ट कर लिया। तो दोस्तों, एसी और डीसी की लड़ाई में जाने से पहले हमें इसके बेसिक समझने होंगे कि एसी करंट और डीसी करंट में आखिर मेन डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, जो डीसी करंट होता है उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर आपका एक लाइट बल्ब है और आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू होते हैं और वो पॉजिटिव साइड तक आते हैं, और वहीं एसी करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते, वो बैक एंड फोर्थ घूमते रहते हैं। जैसे अगर आप एक हॉलो पाइप लोगे और उसके अंदर आप चेन डाल के घुमाओगे, इस एग्जाम्पल से हम अल्टरनेट करंट को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो उस पुराने समय में डीसी करंट के साथ में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो दूर दराज के इलाकों तक भेजना बड़ा मुश्किल था। अगर डीसी करंट को 1 किलोमीटर दूर भेजना है तो उसके अंदर वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़ते थे, और वहीं अल्टरनेट करंट में ये चीज नहीं थी। अल्टरनेट करंट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स और उन सब की मदद से उसके वोल्टेज को अप डाउन किया भी जा सकता था, और यही चीज को देख के अल्टरनेट करंट को इंडस्ट्रीज बहुत इजीली अडैप्ट कर सकती हैं, एडिसन हो गए पागल। तो एडिसन ने अल्टरनेट करंट कितना डेंजरस है इस चीज को दिखाने के लिए पब्लिकली कुत्तों और हाथियों को इलेक्ट्रिकली एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि क्या भैया जो हमारे घर के इक्विपमेंट है उनको मैं डायरेक्ट करंट से चला सकता हूं, या फिर मेरे जो घर के अल्टरनेट करंट वाले इक्विपमेंट है जो इतने सालों से अल्टरनेट करंट पे चल रहे हैं, क्या मैं उन्हें डायरेक्ट करंट पे चला सकता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक सिंपल फिलामेंट बल्ब का एग्जांपल दूं, तो फिलामेंट बल्ब पुराने टाइम में चलते थे, आप उसे चाहे तो एसी से चलाओ चाहे तो डीसी से चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच का जो फिलामेंट होता है उसे केवल रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है इन टर्म्स टू ग्लो। उसको ग्लो करने के लिए केवल रेजिस्टेंस उसके अंदर आएगी और वो ग्लो करना चालू करेगा, चाहे तो वो रेजिस्टेंस अल्टरनेट करंट से आए चाहे तो वो डायरेक्ट करंट से आए। अब वहीं हम बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिसके अंदर ट्रांसफार्मर्स का यूज हुआ है, कॉइल्स का यूज हुआ है, या फिर सोलेनॉइड का यूज हुआ है। अब ऐसे इक्विपमेंट जिसमें इस तरीके की पावर सप्लाई का यूज हुआ है, वो इक्विपमेंट अगर आपने गलती से भी डायरेक्ट करंट से चला दिए, तो सबसे पहली जो चीज होगी वो होगा आपका ट्रांसफार्मर धुआं देने लग जाएगा। अब उसके धुआं देने के पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों, डीसी करंट में रेजिस्टेंस बहुत कम होती है तो उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो ट्रांसफार्मर होगा वो जल जाएगा, फूक जाएगा, ऐसी गलती मत करना। और उसी के साथ ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट जाने की वजह से जो कॉइल्स होंगी आपकी अल्टरनेट करंट वाली सप्लाई में, वो भी जल फूक जाएंगी और वो सप्लाई आपकी टोटली खराब हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार, अगर अल्टरनेट करंट की सप्लाई इस तरीके से फूक रही है, तो वो वीडियो में क्या सच नहीं दिखा रहे हैं कि वो जो टीवी चला रहे हैं,
आपका इंडक्शन कुकटॉप चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, वो कैसे चला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक नए तरीके की सप्लाई आती है जो आजकल के इक्विपमेंट्स में ज्यादातर यूज हो रही है, वो होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मोड पावर सप्लाई बोलूंगा तो आपको शायद डाउट होगा, आपको ढंग से समझ नहीं आएगा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SMPS पावर सप्लाई। तो आपके जो भी आजकल के LED TVs आते हैं या फिर आपके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज आते हैं, इन सब के अंदर SMPS पावर सप्लाई का यूज होता है। तो वो SMPS पावर सप्लाई डायरेक्ट DC वोल्टेज से आपका काम कर जाती है और आपके इक्विपमेंट्स चल जाते हैं। तो ये जो SMPS पावर सप्लाई होती है, इसके अंदर जब AC करंट जाता है तो ऑटोमेटिक रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल होता है जिससे वो AC करंट DC में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार जब AC करंट को DC में कन्वर्ट करना ही है सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए, तो हम AC करंट ले ही क्यों रहे हैं, हम डायरेक्ट DC क्यों नहीं लेते। तो दोस्तों AC और DC की जो चॉइस है ये हमारे हाथ में कभी थी ही नहीं, ये चॉइस है पावर कंपनीज के हाथ में जो आपको पावर सप्लाई करती हैं। और DC करंट की बजाय AC करंट देना आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है, बट ये फायदे का सौदा है उन पावर कंपनीज के लिए। अब होता क्या है, निकोलस टेस्ला और एडिसन के टाइम से जो एडिसन का DC करंट फ्लॉप हुआ उसके पीछे मेन रीजन यही था दोस्तों कि जो हमारा DC करंट है उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आती है दिक्कत और उसके अंदर बहुत हाई वोल्टेज देने पड़ते हैं तभी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूजेबल वोल्टेज दूसरे एंड पे निकालेगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो पावर कंपनीज है उनके ग्रिड तो बहुत दूर दूर होते हैं और उनको बीच में स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स की भी जरूरत पड़ती है वोल्टेज अप डाउन करने के लिए, तो उनके लिए अल्टरनेट करंट है बेस्ट ऑप्शन। अब उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है तो ऑटोमेटिकली जितना भी इकोसिस्टम बन जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, जब डिस्कॉम्स ही आपको AC करंट देंगे तो वो भी सारा का सारा AC के अराउंड ही डिजाइन हो जाता है। तो दोस्तों जो ये SMPS पावर सप्लाई होती हैं ये आपका AC और DC दोनों करंट्स पे काम करती हैं, मगर स्टिल हम इन्वर्टर्स का यूज क्यों करते हैं इसके पीछे का रीजन समझते हैं। कभी भी आपने किसी पावर इक्विपमेंट के पीछे पढ़ा हो तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है 110 वोल्ट से 220 वोल्ट। तो यहां पे जो हम वीडियो देख रहे हैं इसमें जो पैनल्स का यूज हो रहा है तो 36 वोल्ट का एक पैनल है और इन्होंने चार पैनल सीरीज में लगाए हैं जो कि अप्रोक्सीमेट बनते हैं 144 वोल्ट। मगर सोलर पैनल के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो वो वोल्टेज तो उतने ही निकालेगा बट एम्पियर्स कम निकालेगा, जब आफ्टरनून का टाइम होगा तो वो प्रॉपर एम्पियर और प्रॉपर वोल्टेज निकालेगा और इवनिंग आते आते एम्पियर अगेन डाउन होने लगेंगे। तो ऐसे में जो वो इलेक्ट्रिसिटी फीड करेगा आपके इक्विपमेंट्स को वो भी फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिसिटी होगी और अगर ऐसा आपका डेली बेसिस पे होने लगा, रेगुलर बेसिस पे होने लगा, तो वो इक्विपमेंट आपका टोटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। और यही चीज सच है दोस्तों आपके रेफ्रिजरेटर, AC और इन सब इक्विपमेंट्स के लिए भी जिसमें कि आपका SMPS पावर सप्लाई का यूज हुआ है। तो जितने भी हमारे घर के अप्लायंसेज हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर एम्पियर और वोल्टेज देंगे तो उनकी लाइफ बनी रहेगी और वो इक्विपमेंट आपका लॉन्ग रन में चलेगा इन कंपैरिजन टू अगर आप उसे डायरेक्टली सोलर पैनल या फिर बैटरी से वोल्टेज दे दोगे, क्योंकि बैटरी में भी जैसे जैसे बैटरी डाउन होगी तो वोल्टेज तो प्रॉपर रहेंगे बट एम्पियर डाउन होते रहेंगे। तो सेम वही सोलर पैनल वाला कॉन्सेप्ट आपका बैटरी पे भी फिट बैठता है। बट अब यहां पे बात आती है कि अगर ये जो एम्पियर डाउन होंगे ये लॉन्ग रन में हमारे इक्विपमेंट्स को खराब कर सकते हैं और इसी वजह से इन्वर्टर्स का यूज होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और चीज जो समझने वाली है बहुत जरूरी है वो ये कि डीसी करंट जो होता है आपका उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत होते हैं और यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिजली कंपनियां इसी वजह से डीसी करंट का यूज नहीं करती। तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस उनकी लाइन में होंगे आपको क्या लगता है क्या वो आपके घर की वायरिंग में नहीं होंगे? तो जो घर की वायरिंग होगी उसके अंदर भी ट्रांसमिशन लॉसेस होंगे अगर वो डीसी करंट है। तो इसी की वजह से सोलर पैनल का जब इंस्टॉलेशन होता है तो उसमें डीसी वायर्स अलग से आती हैं जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लॉसेस को कम किया जा सके। तो दोस्तों अब अगर मैं बताऊं कि इन्वर्टर को लगाने में या फिर डायरेक्टली सोलर से इक्विपमेंट को चलाने में कितना फर्क आएगा, तो दोस्तों पहले टाइम पे जो इन्वर्टर्स आया करते थे वो होते थे 85% एफिशिएंट, मगर अब जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं दोस्तों वो 98% तक एफिशिएंट आ रहे हैं। अब एफिशिएंसी का क्या मतलब है कि जो आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी है उसको एसी में कन्वर्ट करने में जो इलेक्ट्रिकल लॉस होगा वो कितने परसेंट का होगा। पुराने टाइम में वो लॉस 15% तक हुआ करता था बट आज के टाइम पे जो लेटेस्ट इन्वर्टर्स आ रहे हैं उसमें वो लॉस रह गया है केवल 2% का। तो जो आप डीसी से कन्वर्ट भी कर रहे हो एसी में उसमें भी आपका कोई मेजर लॉस नहीं होगा। तो अगर आप डायरेक्ट डीसी बैटरी से अपना टीवी चलाओगे तो उसमें आपका टीवी हो सकता है 60 मिनट्स चले इन कंपैरिजन टू अगर आपने इन्वर्टर लगा के चलाया तो वो हो सकता है आपका 58 मिनट्स चले। तो यहां पे हमारे को ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट उसके साथ साथ इन्वर्टर लगाने से क्या होगा, हमारे सारे ही इक्विपमेंट्स प्रॉपरली चल पाएंगे
जिनको एसी करंट की जरूरत है वो एसी करंट पे चल पाएंगे, और इवन दो सारे इक्विपमेंट्स में एसएमपीएस सप्लाई तो लगी हुई है जिससे कि वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके चल पाएंगे, और इसके साथ साथ एक इक्विपमेंट को प्रॉपर वोल्टेज थ्रू आउट द साइकिल मिलेगा, और ना तो उसके एम्पियर कभी डाउन होंगे ना उसके वोल्टेज कभी डाउन होंगे। तो दोस्तों एज अ कंपनी हमारा रोल रहता है कि हम भ्रांतियां ना फैलाएं या फिर कोई गलत खबर ना फैलाएं, हम आपको सही जानकारी दें और सटीक जानकारी दें जो भी चीज चल रही है मार्केट में उस चीज के बारे में। और अगर आपको अपने बिजली के बिल की इतनी ही चिंता है तो क्यों ना न्यूक्लियर एनर्जी पे चले जाओ। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के कुछ इंजीनियर्स ने अपना एक स्टार्टअप करा है रेडिएंट के नाम से, और वो इस डायरेक्शन में माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। उन्होंने रेडिएंट के नाम से एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है जिसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट, और वो अप्रोक्सीमेट कुछ 1000 घरों को बिजली दे सकता है।